शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित आवास विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा स्वीकृत स्वप्रमाणन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली के तहत प्रथम आवेदक मुक्ता जोशी को प्रथम मानचित्र सौंपा। सरलीकरण से समाधान के सरकार के प्रयास के अंतर्गत की गई इस पहल को लेकर श्री अग्रवाल ने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में मात्र 3 दिन में मानचित्र स्वीकृति से लेकर मानचित्र निर्गत करने की कार्रवाई पूरी कर ली जाती है। उसी प्रक्रिया के तहत आज हमने पहला नक्शा श्रीमती मुक्ता जोशी जी को आज हमने दिया है और ये सरकार की उपलब्धि है। और मैं सभी से आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि आप इस ऐप के माध्यम से जुड़िए। जो समस्याएं, जो बातें, और बार बार एक विषय आता था कि साहब हम प्राधिकरण में जा रहे हैं, परेशानी हो रही है, इसमें प्राधिकरण के किसी कर्मचारी से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है और इनको जो नक्शा मिला वो 3 दिन के अंदर मिला है। वहीं उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के संयुक्त मुख्य प्रशासक प्रकाश चंद्र दुमका ने बताया कि किस प्रकार इस तकनीक के जरिए लोगों को मानचित्र स्वीकृति में अब आसानी होगी। हमारा उड़ा द्वारा एक विकसित ऐप है, ईज ऐप, उसके तहत हम लोग इस मानचित्र को निर्गत कर सकते हैं। सरकार के सरलीकरण से समाधान के प्रयासों के तहत हमने एक सेल्फ सर्टिफिकेशन मोड में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया डेवलप की है, जिसके तहत अप्रूव्ड लेआउट में कोई भी व्यक्ति अपने आर्किटेक्ट की मदद से सेल्फ सर्टिफिकेशन मोड में मानचित्र निर्गत करा सकता है। इस प्रक्रिया में उस व्यक्ति को ऑनलाइन आवेदन करना होता है, नक्शा अपलोड करना होता है, सॉफ्टवेयर उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन खुद ही करता है और उसके बाद उसको अपनी फी जमा करनी होती है और फी जमा करने के बाद में सिस्टम से ऑनलाइन ऑटोमेटिकली स्वीकृत मानचित्र डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया में प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी से कोई भी इंटरेक्शन ऑनलाइन या ऑफलाइन नहीं होता है, पूर्णतया पारदर्शी व्यवस्थाएं बनाई गई है। वहीं लाभार्थी मुक्ता जोशी ने स्वप्रमाणन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली से लाभ पाने पर खुशी व्यक्त की। सर, ये हमारी आर्किटेक्ट मैम स्वदेश कुमार मैम ने 3 दिन पहले जो है नक्शा पास करने के लिए अप्लाई किया हुआ था और थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से हमें 3 दिन लगे, नहीं तो जो है हमारा ये काम जो है 1 दिन में ही हो जाता।